हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हॉट स्टोव रूल। डगलस मैकग्रेगर ने हॉट स्टोव रूल में हमें यह समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से हम अपने डिसिप्लिन के सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने इसकी तुलना एक हॉट स्टोव के साथ में की है। इसमें उन्होंने हमें यह समझाया है कि जब हम किसी हॉट स्टोव के साथ में काम करते हैं और हमारा हाथ गलती से उस पर टच हो जाता है तो इमिजिएटली हमारा हाथ जल जाता है, लेकिन हम कभी भी अपने हाथ के जलने का कारण उस स्टोव को नहीं मानते बल्कि अपनी ही गलती मानते हैं और कहते हैं कि मैंने ही गलत किया जिसकी वजह से मेरा हाथ जला, और आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि दोबारा मैं ऐसी गलती ना करूं। उन्होंने समझाया है कि हमारा डिसिप्लिन का सिस्टम भी ऐसा होना चाहिए जिसमें अगर कोई इंसान गलती करता है और उसको पनिशमेंट मिलती है तो वो उस गलती के लिए और उस सज़ा के लिए खुद को ही जिम्मेदार माने, ना कि उस सिस्टम को। जब भी मैं बच्चों को हॉट स्टोव रूल समझाता हूँ तो बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैं किस स्टोव की बात कर रहा हूँ। वैसे तो आजकल स्टोव की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बट मैं इसको समझाने के लिए एक फ़ोटोग्राफ दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, ये है कैरोसिन स्टोव, ये कैरोसिन का टैंक और ये बर्नर जिसमें आग जलती है। क्योंकि ये पूरी बॉडी इस स्टोव की आयरन की बनी हुई है और आयरन गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जिसका मतलब अगर इसके एक पॉइंट को गर्म करना शुरू करें तो इसकी गर्मी धीरे धीरे फैलते हुए दूसरी तरफ भी चली जाती है। तो अगर इस बर्नर में थोड़ी देर के लिए भी आग चलेगी तो धीरे धीरे ये पूरी बॉडी इसकी हीट अप हो जाएगी, और वो इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि अगर गलती से आपका हाथ इसके कहीं पर भी बॉडी में टच हो जाता है तो आपका हाथ जल जाता है। अब इस पॉइंट को और इस पिक्चर को दिमाग में रखते हुए आगे थ्योरी को समझने की कोशिश करिएगा। हॉट स्टोव रूल के फीचर्स हैं फोरवार्निंग यानी कि पहले ही वार्न कर देना, इमीडिएट यानी कि तुरंत, कंसिस्टेंट यानी कि लगातार बार बार, और इम्पार्शियल, इम्पार्शियल यानी कि निष्पक्ष होके। तो फर्स्ट पॉइंट इज फोरवार्निंग। जब भी आप किसी गर्म स्टोव के साथ में काम करते हैं और आपका हाथ उसको टच करने ही वाला होता है तो उससे निकलने वाली हीट से आपको पहले ही वार्निंग मिल जाती है कि ज़्यादा आगे हाथ ना लाइए वरना हाथ जल सकता है, और आप अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। इसी तरीके से हमारा डिसिप्लिन का सिस्टम भी होना चाहिए। हमारे डिसिप्लिन का पूरा सिस्टम जिसकी रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़ और रूल्स को तोड़ने पर मिलने वाली पेनल्टीज़, ये हमारे एम्प्लॉयज़ को पहले से सब पता हो। क्योंकि अगर उनको ये सारी बातें पहले से पता होंगी तो वो कोई भी गलती करने के पहले सोचेंगे। उनको पता होगा कि अगर हमने ऐसा किया तो ये पेनल्टी मिल सकती है, इसलिए ये गलती ना करिए। तो आपका डिसिप्लिन का सिस्टम कैसा होना चाहिए जो पहले ही अपने एम्प्लॉयज़ को वार्न कर दे कि ऐसा ना करें। सेकंड पॉइंट इज़ इमीडिएट यानी कि तुरंत। जब भी आप किसी हॉट स्टोव के साथ में काम कर रहे होते हैं और आपका हाथ गलती से उसमें टच हो जाता है तो आप देखेंगे कि आपका हाथ तुरंत जल जाता है, वो जलने के लिए वेट नहीं करता। तो इसी तरीके से आपका डिसिप्लिन का सिस्टम भी होना चाहिए। जैसे ही आपने देखा कि किसी एम्प्लॉय ने कोई रूल तोड़ा, उसको उसकी सज़ा उसी वक्त मिलनी चाहिए। रूल तोड़ने और सज़ा मिलने में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। थर्ड इज़ कंसिस्टेंट यानी कि लगातार बार बार। अगर आपका हाथ स्टोव में लगता है और आपका हाथ जलता है और उसके एक मिनट बाद दोबारा हाथ उस पर लगता है तो आप देखेंगे कि दोबारा फिर से हाथ जल जाएगा, और अगर गलती से तीसरी बार भी हाथ लगा तो तीसरी बार भी जलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी बार आपने उस स्टोव में हाथ लगाया उतनी बार आपका हाथ जला। आपके डिसिप्लिन का सिस्टम भी ऐसा ही होना चाहिए। जितनी बार आप डिसिप्लिन तोड़ेंगे उतनी बार आपको सज़ा दी जाएगी। बट एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा कि सज़ा देते वक्त कभी भी आप बहुत ज़्यादा लीनियंट या बहुत ज़्यादा हार्श ना हो, वरना एम्प्लॉय के मन में डिससेटिस्फैक्शन आ सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज इम्पार्शियल। जब भी कोई हाथ स्टोव पे टच होता है तो वो ये नहीं देखता कि वो किसका हाथ है, वो तो बस उसको जला देता है। हमारा डिसिप्लिन का सिस्टम भी इसी तरीके का होना चाहिए कि वो ये ना देखे कि कौन एम्प्लॉय और कैसा एम्प्लॉय उस रूल को तोड़ रहा है, वो तो बस ये देखेगा कि रूल टूटा और जिसने तोड़ा उसे सज़ा मिले, यानी कि इम्पार्शल होना, पक्षपात। तो ये हैं चार फीचर्स हॉट स्टोव रूल के। फॉर वार्निंग, पहले ही वार्न कर देना, इमीडिएट तुरंत, कंसिस्टेंट लगातार, और इम्पार्शियल यानी कि पक्षपात ना करना। तो हॉट स्टोव रूल के अकॉर्डिंग जब भी हम किसी डिसिप्लिन के सिस्टम
इम्प्लीमेंट करें तो इन पॉइंट्स को हमेशा अपने दिमाग में रखें। फर्स्ट इज, एम्प्लॉयर को चाहिए कि वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ को सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले ही समझा दे। सेकंड, रूल्स को तोड़ने के बाद उनको कौन कौन से पनिशमेंट दी जाएगी और कैसी दी जाएगी उसकी भी इन्फॉर्मेशन उनको पहले ही मिल जानी चाहिए। थर्ड, डिसिप्लिन के सिस्टम में हम किसी को भी रूल तोड़ने पर इग्नोर ना करें बल्कि उसको इमिजिएटली पनिश किया जाए। फोर्थ पॉइंट, सारे एम्प्लॉयज़ के लिए पनिशमेंट सेम होनी चाहिए, यानी कि अगर सेम रूल टूटा है तो पनिशमेंट भी सबको सेम मिलेगी। फिफ्थ पॉइंट, करेक्टिव एक्शन लेते वक्त हमें कभी भी लीनियंसी नहीं दिखानी चाहिए वरना एम्प्लॉय भी नेग्लिजेंसी दिखाना शुरू कर देता है। डिसिप्लिन का सिस्टम कभी भी बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए वरना एम्प्लॉयज़ के मन में डिससेटिस्फैक्शन की भावना पैदा होती है। सेवन्थ पॉइंट, अगर किसी के ऊपर हमने डिसिप्लिन का कोई एक्शन ले लिया है और उसने सजा भुगत ली है तो उसके बाद उसको सुपरवाइज़र को चाहिए कि वो उसको एज अ नॉर्मल पर्सन ट्रीट करे। पनिशमेंट मिल जाने के बाद उस इंसान के साथ में नॉर्मल बिहेवियर ही रखना चाहिए हमेशा। और एट्थ पॉइंट, डिसिप्लिनरी एक्शन का उपयोग कभी भी आप अपने पर्सनल खुंदस या सनक को पूरा करने के लिए ना करें। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के अगर आप अपने डिसिप्लिन के सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे तो देखिएगा आपका एम्प्लॉय भी उसको बहुत आराम से एक्सेप्ट कर लेगा। थैंक यू सो मच।